अब एक चीज़ हेलो अब एक चीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट से इंटू करेंगे तो वो कैसे इंटू होगा उसमें। तो देखिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, 2x3 ऑर्डर का। ठीक है, ये है मैट्रिक्स, सिंपल समझ लेता हूँ। दो रो हैं इसमें और 3 कॉलम्स हैं, तो यानी 1 2 3 4 5 6। मान लो ये सिंपल समझ मैट्रिक्स दे दिया, इसका ऑर्डर 2x3 है। अब मुझसे बोला जाए कि इस, अब आप बताओ 2A मैट्रिक्स बताओ, ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा 2A। तो 2A का आप मतलब क्या समझोगे? तो 2A मैट्रिक्स को, अच्छा एक और चीज मुझे बताना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, I। तो अगर कहीं से मान लीजिए 2 × I लिखा हुआ आ जाए तो आप क्या करोगे? I, और I का आपको ऑर्डर भी लिखा होगा। I हमेशा क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि वो डायगोनल का टाइप है, तो डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे लिखा रहेगा कि ये 3x3 का I मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप इसको I को क्या लिख सकते हो? 1 1 1, बाकी सभी एलिमेंट्स 0। ठीक है, अगर 3x3 का है, 2x2 का, तो 2x2 का क्या करोगे? 1 1 0 0। और अगर 1 का होगा तो बस ये 1x1। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। तो अच्छा, 2 × A की बात हम कर रहे थे, तो 2 × A सिंपल है। अगर किसी भी कांस्टेंट, -2, 2.5, कुछ भी हो, तो ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन इसमें किया जाता है। सभी एलिमेंट्स में आप इसको इंटू कर दो, जैसे 2 का इंटू इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाए, 2 हो जाएगा, सॉरी, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 × 2 4 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। तो अगर 2A एलिमेंट कितने के बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपको -3A निकालना है, तो -3A के लिए भी आपको क्या करना? -3 से इसमें इंटू कर दो, तो हो जाएगा -3, -6, -9, -12, -15 और -18। ठीक है, ये आपका, तो ये हो गया कांस्टेंट से अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो तब आप क्या करोगे। ठीक है, अब मान लो आपको एडिशन करना है। अब हम लोग समझते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है, तो पहली चीज हमें जानना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन कोई अलग चीज तो होती नहीं। आप पहले से ही पता है कि 2+3, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 − −3, दोनों चीजें सेम है। या फिर आप 5 − 2 को ऐसे लिख सकते हो, या फिर 5 + −2 भी लिख सकते हो। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन कोई अलग चीज नहीं है, जैसे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अलग नहीं है, वैसे ही सब्सट्रैक्शन और एडिशन भी अलग चीज नहीं है। आप बहुत पहले से ही जान रहे हो। ठीक है, तो हमें बस जो भी मैं बताऊंगा ये दोनों के लिए वैलिड होगा। एडिशन कब होगा या सब्सट्रैक्शन कब होगा? पहली चीज, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना। यही इक्वलिटी वाले मैट्रिक्स का भी था कंडीशन, पहला कंडीशन कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहली चीज तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी चीज कुछ भी नहीं, पहली चीज और आखिरी चीज यही थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। तो अगर दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए ए मैट्रिक्स, मान लीजिए मैं अभी बस सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, तो 1 2 3 वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या आ रहा है? 2 क्रॉस 3, और इसका कितना आ रहा है? 3 क्रॉस 2। तो देखिए इन दोनों का ऑर्डर क्या सेम आ रहा है क्या? जी नहीं। तो अगर हम इसको ना ऐड कर सकते हैं ना जोड़ सकते हैं, ठीक है, सॉरी, मतलब ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको जोड़ने का पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए, तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लेता हूं मैं सी मैट्रिक्स मैंने लिया, सी मैट्रिक्स है 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 है। तो इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूं, क्यों? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। अब जोड़ेंगे कैसे? तो जोड़ना बहुत ही आसान है, a+c हमें करना है। तो ये बोलता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़िए, मतलब ये वाले को इसके साथ, ये वाले को इसके साथ, ये वाले को इसके साथ। ठीक है, ऐसे इधर भी नीचे वाले को इसके साथ, इसके वाले, ठीक है,
ये पेयरिंग आप मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप मतलब वन के सामने ए वन वन, यहाँ पे सी वन वन है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 + 7 कितना हो गया 8 हो गया, 2 + 8 कितना हो गया 10 हो गया, 3 + 9 कितना हो गया 12 हो गया, 4 + 10 कितना हो गया 14 हो गया, 5 + 11 कितना हो गया 16 हो गया, और 6 + 12 18 हो गया। ठीक है, अब एडिशन में ऑब्वियस सी बात है जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर इसका भी होने वाला है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि एडिशन कब होगा, ऑर्डर बस सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम है दोनों मैट्रिक्स के तो एडिशन आप कर सकते हो। अब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ए प्लस सी करो या सी प्लस ए करो दोनों बात बराबर है। ठीक है, अगर आप 3 को जोड़ते हो, ठीक है, तो पहले ए प्लस बी को जोड़ लो फिर सी को जोड़ो, या फिर बी प्लस सी को पहले जोड़ लो फिर ए को जोड़ो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को एडिशन और एडिशन आपको फॉलो करते हुए दिखेगा। ठीक है, ओके, ये होगी एडिशन की बात। अब हम लोग देखते हैं सब्स्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो सब्स्ट्रैक्शन के लिए भी मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, ये है मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये है सी 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने वही बोला कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम ही चीज है, पहली कंडीशन और लास्ट कंडीशन क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। ठीक है, तो अगर ऑर्डर सेम है तो अब आप इसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन को आप मतलब मुझे मान लीजिए सी माइनस ए करना है सपोज, ठीक, तो सी माइनस ए को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सी ऑफ प्लस ऑफ माइनस ए, ये भी तो बात वही हुई ना, क्यों? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए में -1 से इंटू करके और फिर इसको ऐड कर दें तो बात सी माइनस ए के बराबर ही हो जाएगी, या फिर सिंपली अगर देखा जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उस हिसाब से माइनस कर देते हैं। तो सी माइनस ए अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सी आगे आ रहा है तो सी में से ए को घटाना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग को माइनस करो, 8 में से 1 गया तो कितना आ गया 7, 9 में से 2 गया तो कितना आ गया 7, 10 में से 3 गया तो कितना आ गया 7, अच्छा 4, 11 में से 4 गया तो 7, 12 में से 5 गया 7, 13 में से 6 गया 7। ठीक है, ओके, तो ये आपका सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। सिंपली आप जैसे एडिशन कर रहे थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप जोड़ रहे थे, तो जोड़ने में आपको पता है कि ये इसमें इसको जोड़े या इसमें उसमें जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्सट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना है जो आगे होगा जिसमें से जिसको घटाना है वही हम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। तो सी में से ए को यहाँ माइनस करना था इसलिए हमने 8 में से 1 को माइनस किया, ना कि 1 में से 8 को माइनस किया। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स की एक और प्रॉपर्टी थी, पहले ही आप देख लो, उल्टा समझ लो वाइस वर्सा, कि कांस्टेंट यहाँ सेम सब में 7 है तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 बाहर निकाल लो तो 7 × ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका एडिशन था और ये था सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट, मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश की है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन सबका इसमें यूज आएगा, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन का भी यूज आ रहा है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है अगर ए और बी दिया हुआ है आपको मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 2 है, इसका भी 3 क्रॉस 2 है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, सॉरी ऑर्डर नहीं, एक्स मैट्रिक्स होगा क्या, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, और आपसे एक रिलेशन दिया हुआ है 2a + 3x = 5b, तो आप जैसे वेरिएबल को सॉल्व करते हैं आप वैसे कर लो इसको, 3x = कितना हो गया 5b - 2a, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, और तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, 3 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल x हमें इस तरह से मिलेगा। तो हमें पहला काम क्या करना है, 5b - 2a निकालना है, तो पहले हम 5b निकालेंगे फिर -2a निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ दें या माइनस कर दें जो आप जैसे समझो। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, 5b निकालने जा रहा हूं, तो 5b क्या दिया हुआ है,
बी दिया है 0, 1, -1, 2, -2 और 1, ठीक है, ये आपका बी दिया हुआ है। तो मैंने अभी बताया था जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 0 × 5 ये हो गया 5, ये हो गया -5, ये हो गया 10, ये हो गया -10 और ये हो गया 5, तो ये हो गया 5b। अब आप देखो, मुझे अच्छा लगता है एडिशन आसान होता है, एडिशन में गलतियां कम होती हैं, सब्ट्रैक्शन में गलतियां हो सकती हैं, इसलिए मैं हमेशा चाहो तो आप 2 से इंटू करके 2a निकालो फिर माइनस करो, या सबसे आसान जो होता है एडिशन कर लो, सिंपली -2a ही निकाल लो, और -2a जब निकाल लोगे तो फिर तुम्हें सिंपली बस ऐड करना होगा, एडिशन में मिस्टेक काफी कम होता है। तो यहाँ पे आप -2 और a लिख लो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरा वो है, आप दोनों तरह से कर सकते हो, दोनों की बात एक ही है, 2a निकाल के इसमें से इसको माइनस करना या फिर इन दोनों को जोड़ देना, बात एक ही है। तो अगर -2a 2 से इंटू किया तो ये -2, ये हो गया -4, ये हो गया -6, ये हो गया -8, ये हो गया -10 और ये हो गया -12, ठीक है। तो आपके पास 5b भी है और 2a। अच्छा, एक चीज तो क्लियर है ना आपको कि x का भी ऑर्डर यही आने वाला है, क्यों? क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब सबका ऑर्डर सेम हो, तो इसीलिए आप देख लो a और b दोनों का ऑर्डर सेम दिया गया है, यानी x का भी ऑर्डर 3 × 2 का ही मिलेगा हमें। अब ठीक है, हमें क्या निकालना था, 5b - 2a निकालना था, तो हम क्या करेंगे, 5b को मैंने क्या किया है कि -2a निकाला है, तो -2a जब निकालूंगा तो मैं मुझे ऐड करना पड़ेगा -2a को, इसलिए मैं -2a को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। ये आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो 2a निकाल के यहां माइनस भी कर सकते हैं, उनका ऑप्शन है। अब आप इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0, ये -0 + -2 - 2, 5 + -4 - 1, -5 - -11, 10 - 2 एंड -10 - 10 - 20 एंड -5 - -7। तो ये आपका आ गया 5b - 2a। अब आपसे बोला जाए x पूछा गया था, तो x क्या था, इसमें 1/3 से आपको इंटू करना था, तो आप सिंपली क्या करो, तो x का आपका आंसर क्या हो जाएगा, x आपका यही हो जाएगा, 1/3 से आप इंटू कर लो यहां आगे। अब आप चाहो तो इसको 1/3 से सभी एलिमेंट्स में इंटू कर लो, या ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये आप ऑप्शन देख के आपको देखना है कि आपको ऐसे लिखना है या वैसे लिखना है। तो ये आई होप इस क्वेश्चन में आपको सभी जितने भी पॉसिबिलिटीज थी एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन का, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको दो इक्वेशन दे दिए जाएंगे और दोनों इक्वेशन को आपको उसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि a + b = a है, a - b = a है, तो ये बताइए a और b क्या होगा। तो आप जैसे ही लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको करना है। आप क्या करोगे, आपको a निकालना है, तो आप क्या करोगे, b एलिमिनेट कर सकते हो, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2a मिलेगा, b और -b कैंसिल हो जाएंगे, और इधर आप जोड़ लो इसको, इधर जब जोड़ोगे तो इधर भी तो जोड़ोगे। तो सिंपली आप जैसे अलजेब्रा में करते हो x + y = 2, x - y = 3 और उन दोनों को एलिमिनेट कर लेते हो, 2x = 5, ऐसे करके जब तू सॉल्व करते हो वैसे ही आपको यहां पे भी करना है। बस ध्यान रखना है RHS में ये मैट्रिक्स है, इसलिए आपको मैट्रिक्स को भी ऐड उसी तरह से मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी की तरह करना है। तो 1 + 5 = 6, 2 + 6 = 8, 3 + 7 = 10, 4 + 8 = 12, ओके। तो अब 2a = ये है, तो a = कितना हो जाएगा, 2 से आप डिवाइड कर लो यहाँ 1/2 से, मतलब इंटू कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, तो a की वैल्यू आ गई। अब जैसे कि हम लोग उसमें करते हैं x आ जाता है, तो y कैसे निकालते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। a की वैल्यू मैं अगर मैं यहां रख लेता हूं सपोज, तो a इधर चला जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ध्यान रहे ये इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 इधर है, ए की वैल्यू आ चुकी है, मुझे बी निकालना, तो मैं इधर ए ले जाऊंगा तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए, तो ए कितना आया है, 3, 4, 5, 6। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो हमें बी मिल जाएगा, 1 में से 3 गया तो कितना आ गया, -2, 2 में से 4 गया तो -2, 3 में से 5 गया तो -2, 4 में से -2, ठीक है। तो ये आपका b आ गया, -2 आप चाहो तो कॉमन लेके इसको आंसर ऐसे भी
रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका दो तरह का, अगर मान लो लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस इस तरह से मैट्रिक्स में भी आते हैं, एडिशन आप सिंपली आपको सोचना उसी तरह से। मान लीजिए यहाँ पे 2a आ जाता, सपोज मैं इसी क्वेश्चन में से समझा देता, मान लीजिए यहाँ 2a होता तो आप क्या करते a को निकालने के लिए? तो सिंपली आप अब जैसे भी आप सॉल्व करते हो, कैसे करते हो यहाँ पे, तब आप क्या करते एलिमिनेट करने के लिए, यहाँ पे b को एलिमिनेट करना आसान था अभी भी, तो आप इन दोनों को फिर से ऐड करते, बस यहाँ 3a आ जाता। अब सपोज थोड़ा सा और बदल देता हूँ मैं क्वेश्चन, यहाँ 3a कर 3b कर दिया, अब क्या करोगे? अब एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस इक्वेशन में 3 से इंटू करना पड़ता, तब यहाँ क्या बन जाता 3a-3b, तो इधर भी 3 से तो इंटू करोगे ना। ठीक है, दो इक्वेशन मिल जाते, अब क्या करते इन दोनों को ऐड करते तो 3b और -3b एलिमिनेट हो जाता, यहाँ आ जाता 5a इक्वल टू इन दोनों का एडिशन। ठीक है, तो मैंने सभी एग्जांपल्स आपको कवर कर लिए हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं आपके हो गए। ठीक है, ओके।